नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद, मैं आपके साथ कुणाल वाणी। साथ आपको बता दें कि फिलहाल सकोतला कालीबाड़ी मंदिर में मौजूद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम भक्त यहाँ पर पहुंचे, और आज नवमी मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं माँ भवानी की कितनी विशाल प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है, और आरती चल रही है। अभी अभी भोग लगा है माँ को, और अब आरती चल रही है। मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से माँ को भोग लगा है और आरती चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अनोखे तरीके से जो है वो कालीबाड़ी मंदिर में शुरू से ही जो है वो पूजा होती आई है, और आज जो है बहुत ही अनोखे तरीके से पूजा हो रही है। मैं आपको फिर से देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं शंखनाद किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूरे तस्वीर में आपको दिखा रही कर रहा हूँ। देख सकते हैं अनोखे तरीके से और अलग तरीके से जो है पूजा की जा रही है माँ भवानी की। बात देखते हैं कि अभी जो है वो पाकिस्तान कराया जाता है, पाकिस्तान में पहुंचा जा रहा है। Thank you.
क्या बहुत साथ मंदिर के सेक्रेटरी एके पंडित जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, पूजा हुई है, काफी सुंदर तरीके से पूजा हो रही है और लगातार इतने समय से आप कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं बंगाली स्टाइल में। शायद पहली बार सबसे पहले यही शुरू हुई थी जो है दुर्गा पूजा। मैंने देखा अभी कई तरीकों से माँ की पूजा आराधना की जा रही थी, कभी फूलों से तो कभी धूप से तो कभी जोत से माँ को जो है वो प्रसन्न किया जा रहा था। किस प्रकार से होती है, क्या ये माता रानी का यहाँ पे निमंत्रण आमंत्रण और पूजा करने का ये तरीका है जो कई तरीका से माँ को कभी फूल से कभी कपड़ा से ऐसे करके माँ को आह्वान किया जाता है, माँ की भक्ति पूरा किया जाता है। आज नवमी है, कल का क्या शेड्यूल रहेगा, क्योंकि दसवीं के दिन एक बहुत ही विशेष चीज सिंदूर खेला जो है वो बंगाली स्टाइल में बहुत अच्छे से किया जाता है, साथ ही साथ धुनी ची डांस के लिए लोग इंतजार करते जी। कल हमारा सुबह से ही दसवीं पूजा शुरू हो जाएगा, 11 बजे माता को वरण करना, माँ को वरण करना वो कर सकते हैं। माँ को वरण के टाइम में लेडीज महिलाएं अपनी हस्बैंड का दीर्घ कामना करते हैं जिससे कि उनको लंबी आयु मिले, और उसके बाद हम लोग 1 से 1.5 बजे के बीच में बड़गल में माता रानी को विसर्जन के लिए ले जाएंगे। बड़गल झील, बड़गल झील के पास फिशरी डिपार्टमेंट है, उन लोग जगह देते हैं, हमें डीसी साहब उसके परमिशन देते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं विसर्जन के लिए जी। बात करें तो आज शाम के क्या खास कार्यक्रम रहेंगे, कल की कल माता का विसर्जन? देखिए हमारा कल आज भी प्रोग्राम है, शाम को कल भी 7:30 बजे से प्रोग्राम है, कल शाम को शांति जल है, उसके बाद फिर प्रोग्राम है, क्योंकि इस बार एक दिन छोटा हो गया है तो इसलिए कल का भी रात का प्रोग्राम हमारा है। आपके चैनल के माध्यम से बता दे, सभी बंधु हमारे पास आ सकते हैं। आज शाम को क्या क्या? आज शाम को भी कल्चरल प्रोग्राम है, शाम को 7:30 बजे माता रानी का आरती होगा, आरती के बाद कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जो कि रात को 11 बजे तक चलेगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी काफी सारे लोग बैठे हुए, सभी को जो है वो प्रसाद की व्यवस्था हर साल जो है जी, ये प्रसाद सबको लंगर प्रसाद जो भी बोलेंगे वो बैठा के हम लोग खिलाते हैं, ऐसा नहीं जो खड़े होकर प्रसाद दे दिया और घर चले जाओ, नहीं, हम बैठा के उनको पूरा पूरा खिलाते हैं जो माँ के माँ को पूरा माँ का प्रसाद माँ का आशीर्वाद रूप में सबको मिले। क्या एक विशेष आग्रह करना चाहेंगे जी? सभी को बोलेंगे आप आइए लंगर में पार्टिसिपेट करिए, माँ का प्रसाद खाइए और हमारे यहाँ पे आप सब प्रसाद ग्रहण करिए, आइए। देख सकते हैं यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर प्यार जो है यहाँ पे रखा गया है, और आपको बता दें कि बहुत ही सुंदर तरीके से अभी माँ की आरती हुई है यहाँ पर, जिसमें सभी जो है वो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, अभी पुष्पांजलि देंगे माता रानी। तमाम अपडेट से जुड़े रहते हैं पतन के द्वारा।